Malik. ASP, Humayun Malik. Le chalo ise. Iski mehman nawazi karte hain. Hello. बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से. जाना तो कहीं और था, कहां पहुंच गए? अच्छी बात. बस तुम्हारी तरह. तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूं. मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं. और तुमने खाई आइसक्रीम? हेलो जी अम्मी. जी जी, बस आ रही हूँ, रास्ते में ही हूँ. वो गाड़ी का टायर पंचर हो गया था इसलिए टाइम लग गया. नहीं अम्मी, बस इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट में पहुँच जाऊंगी. अल्लाह हाफिज. अल्लाह खैर. मिस क्या हुआ? अबे वो अंधा है क्या, नजर नहीं आता? अरे अरे अरे, क्या ये क्या हो रहा है? कौन लोग हैं आप लोग? भाई साहब, गलती तो आपकी है. वो पता है गलती हमारा है, लेकिन अब तुम कोई गलती नहीं करना. जैसा बोलता हूँ वैसा कर. आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? हम क्या चाहते हैं वो हम आपको नहीं बता सकते, तो बेहतर है कि खामोशी से बैठ. आप डाकू हैं? अरे नहीं, ये टेररिस्ट है. आप टेररिस्ट हैं? आप लोग ये गलत कर रहे हैं. देखिए मासूम बच्चे हैं, जाने दें, छोड़ दें इन्हें. प्लीज हमें जाने दें. खबर कैसे बनेगी? अरे तुम जैसी लड़कियां रोजाना अगवा होती हैं. अगर खबर नहीं बनती, जब तक लाश कोई रोड से ना मिले ना, तब तक तो बेहतर है कि खामोशी से बैठो, वरना चलो गाड़ी चला, नहीं तो टपका दूंगा तुझे. ये पीरजादा बहुत शैतान वकील है. ऐसे ही लॉयर्स के लिए अकबर अलाबादी ने क्या खूब कहा है, पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, लोग आज हम भी साहेब औलाद हुए. वाह मैडम, वैसे उनका ये शेर मैंने नहीं सुना. यही तो प्रॉब्लम है हमारे आजकल की नस्ल की, असली हीरोज़ की पहचान नहीं है उन्हें. अलामा इकबाल को तो पढ़ा है ना तुमने? जी. अलामा इकबाल ने जो बातें संजीदगी से कही हैं, वही बात अकबर अलाबादी ने मजाही अंदाज में कही. ये बात तो ठीक है मैडम, लेकिन आप कुछ सोचिए ना, उस ज़माने के जितने भी शायर थे उनकी उर्दू इतनी ज़्यादा मुश्किल होती थी कि आधी बात तो समझ में नहीं आती थी. अब ये बात तो प्रायोरिटीज़ पर डिपेंड करती है ना. इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाले जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और शेक्सपियरियन प्लेज इंतहाई मुश्किल अंग्रेज़ी में पढ़ लेते, लेकिन उर्दू पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता. अब तुम वकील बनी हो तो वकालत की मुश्किल मुश्किल किताबें तो पढ़ी होंगी तुमने. ठीक कह रही हैं आप, लेकिन हम बात क्या कर रहे थे. हाँ, पीरजादा इंतहाई शातिर है. वो नहीं चाहता कि उसका केस अदालत में जाए, क्योंकि जहाँ उसका केस अदालत में गया कोर्ट ने उसके खिलाफ ऑर्डर दे देना है, इसलिए डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है. लेकिन मैडम, जब कोर्ट खुद ही उसको डेट दे देगी तो फिर हम क्या कर सकते हैं? कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा. एक मिनट. कौन? हेलो. हेलो फायजा. जी जी, मैं फायजा बात कर रही हूँ. आप कौन बोल रही हैं? मैं राजा बोल रही हूँ. बेटा सादिया की मम्मी. ओह, अस्सलाम वालेकुम आंटी. सॉरी, आपका नंबर मिस हो गया था इसलिए पहचान नहीं पाए. कैसी हैं आप? बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन सादिया वो अभी तक घर नहीं आई. क्या मतलब? कहाँ गई थी वो, कब से नहीं आई? वो स्कूल में पढ़ाती है, 2:30 बजे तक घर आ जाती है, और अब तो इतनी देर हो गई, 6 बजने वाले हैं, नहीं आई. तो आखिरी मर्तबा कब बात हुई थी आपकी उससे? 2 बजे हुई थी. उसके बाद से फोन बंद जा रहा है. अच्छा, तो आपने स्कूल फोन किया था, वहाँ से मालूम किया? हाँ बेटा किया था, मगर वो कुछ बता ही नहीं रहे. मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इसलिए तुम्हें फोन किया. ओके, आप एक काम करें, मुझे स्कूल का नाम बताइए. ठीक है आंटी, बस आप परेशान ना हो, मैं फोन करके मालूम करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ.
ठीक है, आप टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है बेटा, लाफिस। क्या हुआ मैडम, खैरियत? नहीं, वो सादिया की अम्मी का फोन था, अभी तक घर नहीं आई। नहीं, कहाँ गई होगी? ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बोला ना कुछ पूछने का या बोलने का नहीं। असलम, बहुत जलगा करने का वक्त आ गया। हाँ ठीक है, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, तुझे आजाद करता है। ये गाड़ी क्यों रोक रहे हो? अभी बताते हैं कि यहाँ पे गाड़ी क्यों रोक रहे हैं। उतर है गाड़ी से, उतर। बच्चे बैठे हैं यार, फैमिली बैठी है। इन्हें के नीचे उतार रहे हो गाड़ी से? अबे आजाद कर रहा हूँ तेरे को, चल। यार देख के भाई, क्या कर रहे हैं यार आप? बच्चे बैठे हैं। भाग, भाग, भाग। बस अब इसके बाद किसी का आवाज आया उसका भी बिल्कुल ऐसा ही अशर करूंगा। उस ड्राइवर रजाक के बारे में तुम्हें कुछ भी याद आए तो अपने बयान में लिखवा देना। छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, समझे तुम? नहीं सर, अब्दुल रजाक 8-10 साल से स्कूल की वैन चला रहा है, कभी उसको कोई गलत बात करते या कोई गलत काम करते हुए नहीं देखा। मैडम हो जाएगा, आप समझो, पुलिस कोशिश कर रही है, बच्चे मिल जाएंगे। एसपी साहब है अंदर? जी मैडम, वो अंदर है प्रिंसिपल साहब के साथ। मैं उनसे बात कर सकती हूँ? जी मैडम, आप जा सकती हैं, मगर कोई और साथ नहीं जा सकता। आंटी मैं एसपी साहब से मिलके आती हूँ, आप यहीं इंतजार कर लेंगे? कोई बात नहीं, मैं इंतजार करती हूँ। चलो रास्ता दे। आज उसका रवैया कैसा था? खुश था, टेंशन में था? नहीं सर, बिल्कुल नॉर्मल था, कोई टेंशन में नहीं था, जैसे हमेशा रहता था वो। ठीक है, इनको बाहर ले जाओ, कुछ भी याद आए तो बता देना, समझे? यस सर, आ गए। सलाम अलैकुम, कुछ पता चला? फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन बजाहिर ऐसा लगता है जैसे ये सारा किया धरा उस ड्राइवर रजाक का ही है। हमने शहर की तमाम एग्जिट्स पर चेकिंग शुरू कर दी है। सर, रजाक ड्राइवर तो बहुत भरोसे का आदमी है, वो कोई ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता। कई सालों से वो स्कूल के बच्चों और टीचर्स को लाता ले जाता है। आप ठीक कह रही हैं मैडम, लेकिन हमें हर पहलू पर नजर डालनी होती है, किसी को भी अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अक्सर वाइट कॉलर लोग इस किस्म के क्राइम्स करते हैं जिनके बारे में सोचकर भी हैरानी होती है। वैन में कितने बच्चे थे? मैडम ने बताया है कि 20 से 25 सीट्स की वैन है। कुछ बच्चे उतार दिए गए थे और कुछ बच्चे उस गाड़ी में थे, तो लगभग कोई 7-8 बच्चे मौजूद है गाड़ी में। सादिया की मम्मी का बहुत बुरा हाल है, वो मेरे साथ आई है, बाहर वेट कर रही है। सादिया बहुत जिम्मेदार और मेहनती टीचर है, मुझे कम से कम इस बात का सुकून है कि वो इन हालात में बच्चों के साथ है। सादिया का नंबर ऑफ जा रहा है, मगर ड्राइवर के पास भी तो नंबर होगा। यही तो प्रॉब्लम है कि उस ड्राइवर का नंबर नहीं लग रहा। 2 बजे के बाद से ना उस टीचर से और ना उस ड्राइवर से किसी की बात नहीं हो सकी। एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ बात करो, एएसपी हुमायूं।
बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। लेकिन डीआईजी साहब ने आफ्टरनून में एक मीटिंग कॉल की है जिसमें इंटेलिजेंस के लोग भी होंगे। प्रॉब्लम यह है कि जब तक यह वकार अपनी डिमांड नहीं करते, इस मीटिंग का फायदा नजर नहीं आता मुझे। एएसपी हुमायूं, कैसा है एएसपी? कौन हो तुम? वही जिसके फोन का तुझे बेचैनी से इंतजार था। हेलो, हाँ बात करो। एएसपी हुमायूं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। उस ड्राइवर रजाक की लाश मिली है शहर से बाहर। क्या? और बच्चे? कुछ कहा नहीं जा सकता, फिलहाल तो सिर्फ उस ड्राइवर की लाश मिली है। इसका मतलब है कि बच्चों की जान को भी खतरा है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? देखिए प्लीज, आप अपने आप को संभाले। अगर आप इस तरह से रोने लगी तो बाहर क्या होगा, लोग कैसे संभालेंगे? लाश मिलने का मतलब यही है कि ये अखबारों की वारदात है। किडनैपिंग? मगर क्यों? वो तो अखबार कांटेक्ट करेंगे तो पता चलेगा। मुमकिन है ये दहशतगर्दों का ग्रुप। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं एसपी साहब? देखिए मैडम, सच्चाई से नजरें फेर लेने से कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चों की जिंदगियों का मामला है, हम किसी को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। एक शख्स का खून हो चुका है, बाकी बच्चों की जिंदगियों का खतरा है। किसी भी सूरत हाल के लिए हमें तैयार रहना होगा। फिलहाल तो मेरा मशवरा है कि आप खुद को संभालिए और मेरे साथ नीचे चल के पेरेंट्स को तसल्ली दें। और प्लीज रजाक की मौत का जिक्र मत कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। आइए। कुछ पता चला? ये रास्ता है, स्कूल टीचर सादिया इनकी बेटी। अच्छा, आपकी बेटी? आंटी बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। सर मेरी छोटी बहन भी है उसमें, प्लीज कुछ करें, हम सुबह से परेशान हैं। सर खुदा के लिए कुछ करें, उसमें मेरा बेटा सलमान भी था। प्लीज सर कुछ करें खुदा के लिए। देखिए मुझे आप लोगों की परेशानी का अंदाजा है। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उनमें से किसी न किसी का बेटा, बेटी, भाई बहन उस वैन में थे। हमने रूट भी चेक करवाया है और मालूमात भी करवाई है। उस वैन का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हमारे मुताबिक उसे अगवा किया गया। देखिए टीमें तलाश कर रही हैं उन्हें, हम बहुत जल्द इंशाल्लाह बच्चों को और सादिया को भी बाजियाब करवा लेंगे। यानी कि बच्चों की जान खतरे में है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो जो अगवाकार हैं वो यकीनन अपने मुतालबात के लिए या फिर तावान के लिए हमसे रابطہ जरूर करेंगे, तभी पता चल सकेगा कि वो लोग कौन है। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है आप लोगों का यहाँ रहना बेकार है। आप लोग घर जाइए और जाके दुआ कीजिए कि सारा मामला खुश असलूबी से तय हो जाए। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। बेटा चुप हो जाओ, इस तरह मत रो। कोई बात नहीं, हम बहुत जल्दी अपने घर जाएंगे। तुम तो बहादुर बच्चे हो ना, मत रो ऐसे, चुप हो जाओ। नहीं, मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। टॉफी खाओगे? ये लो।
मिस, बस ये आखिरी टॉफी थी। कोई बात नहीं, हम कल और खरीद लेंगे। मिस, मिस, इन्होंने हमें क्यों पकड़ा है? बेटा, शायद इन्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो फिर इन्होंने ड्राइवर को क्यों मार दिया? ये लो बन कबाब, खुद भी खा लो और बच्चों को भी खिला देना। नखरे ना करो, लो अभी काफी वक्त तुम लोगों को हमारे साथ रहना है। तुम लोगों ने ड्राइवर को क्यों मारा? फालतू लोगों को हम अपने साथ नहीं रखते, समझी? तो क्या तुम हम लोगों को भी? जो समझना है समझो, बस दुआ करो कि हुकूमत हमारा मुतालबा मान ले वरना। मगर ये तो मासूम बच्चे हैं, इसमें इनका क्या कसूर? कसूर? अरे कोई एक कसूर हो तो बताऊं, बहुत सारे कसूर हैं। सबसे पहला कसूर कि ये पैदा हुए। दूसरा कसूर ये कि इस मुल्क में पैदा हुए। और तीसरा ये कि जिस वैन को हमने टारगेट किया ये उसमें थे। समझ आ गई? और कुछ? चुप करके खा लो। इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। आपको बता रहे थे कि टेरेस का ब्रेन वॉश किया जाता है। इनको अपने काम के अलावा और कोई बात समझ भी नहीं आती। अच्छा चलो, शाबाश, तुम लोग सब सो जाओ, बहुत रात हो गई है ना, चलो लेटो। सो जाएंगे? मिस, हमने सुबह कौन से स्कूल जाना है? आज तो थक गया यार असलम। अभी चलते हैं। चल भाई असलम। हाँ, माहौल बना। माहौल? ये लो बन गया जी ट्रेन स्टेशन का मॉल। अब इनका बाप भी नहीं पकड़ सकता कि हम हैं कहां पर। असलम तू बहुत समझदार हो गया। सर अब तो रजाक की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। 9mm की पिस्टल से तकरीबन 50 फुट के फासले से उसे गोली मार के हलाक किया गया। एक गोली उसके कंधे में लगी और दूसरी सीने में, और सीने में लगने वाली गोली से उसकी मौत वाकई हुई। प्रॉब्लम ये है फयाज के ये गैर कानूनी 9mm पिस्टल्स बहुत आसानी से मिल जाती हैं मुजरिमों को। इनकी रोकथाम के लिए हमें कुछ करना होगा। जी सर, आजकल अक्सर वारदातों में यही इस्तेमाल हो रहा है। अखबारकारों ने कोई कॉन्टैक्ट किया आपसे? नहीं, लेकिन डीआईजी साहब ने आफ्टरनून में एक मीटिंग कॉल की है जिसमें इंटेलिजेंस के लोग भी होंगे। प्रॉब्लम यह है कि जब तक ये अखबार अपनी डिमांड नहीं करते इस मीटिंग का फायदा नजर नहीं आता मुझे। चलिए एएसपी हूँ। आयो कैसा है एएसपी? कौन हो तुम? वही जिसके फोन का तुझे बेचैनी से इंतजार था। इसकी बहुत तबीयत खराब है, इसे डॉक्टर की जरूरत है। कुछ नहीं तो इसे गोली ला दो। ओ, गोली? अच्छा,
इसके लिए सिर्फ यही एक गोली है। एसपी मायो, कैसा है एसपी? कौन हो तुम? वो ही जिसके फोन का तुझे बेचैनी से इंतजार था। काफ साहब बोलो, कौन बोल रहा है? एक तोहफा तो तुझे भेज चुका हूँ, वो वैन ड्राइवर का। अब सोचता हूँ तुझे एक और तोहफा भेज दूँ, वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा। क्या चाहते हो तुम? क्यों अगवा किया इन लोगों को? अब आया ना लाइन पे, हमारा एक साथी तुम्हारा मेहमान है, अजीमुल्ला। अजीमुल्ला को छोड़ दो, हम इन बच्चों को और उनकी उस्तानी को छोड़ देगा। देखो ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं तुम्हारा ये पैगाम ऊपर तक पहुंचा दूंगा, फैसला वो लोग करेंगे। अच्छा तो पकड़ने का इख्तियार तेरा था, छोड़ने का इख्तियार तेरा क्यों नहीं है? ये कोई जंगल नहीं है, एक सिविलाइज सोसाइटी है, यहाँ कानून काम करता है। और मैं जानता हूँ तुम्हारी सिविलाइज सोसाइटी को, अगर अगले 24 घंटे के अंदर अजीमुल्ला को नहीं छोड़ा तो इस शहर के हर चौक से एक एक बच्चे का लाश उठा लेना। हेलो हेलो, अजीमुल्ला के लोग थे। ओ सर, क्या डिमांड करते हैं ये लोग? अजीमुल्ला को रिहा करवाना चाहते हैं। फयाज, मैं सेक्रेटरी साहब के पास जा रहा हूँ। ओके सर। तुम यहाँ के मामला संभालो। ओके सर। बढ़ता ही जा रहा है बेटा, इसके सर पे गीले पानी की पट्टियां रखो। मैं इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। छोड़ दे मिस, ये लोग इंसान नहीं है। फिर भी कोशिश तो करती हूँ ना, शायद रहे वहां से। परेशानी है? कुछ भी नहीं। वो बच्चे को बहुत ज्यादा तेज बुखार है, डॉक्टर की बहुत जरूरत है इसे। तुम लोग क्या पिकनिक पर आए हो? डॉक्टर? अरे कहां से लाऊं मैं डॉक्टर? बच्चे को कुछ भी हो सकता है, इस पे रहम करो। खुदा ना खास्ता अगर इसे कुछ हो गया तो। यस छोड़ दे, ये लोग इंसान नहीं है, इन्होंने बेचारा ड्राइवर को मार दिया। क्या बोला तूने? क्या बोला? हम तुझे जानवर नजर आते हैं। जानवर तो फिर भी अच्छे होते हैं। क्या बोला तूने? मैं तुझे अभी इसी वक्त गोली चला दूंगा। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज माफ कर दो इसे, माफ कर दो। ये बच्चा है, बातें तो बहुत बड़ी करता है, अगर इसने एक लफ्ज भी और निकाला ना तो इसी वक्त उड़ा दूंगा उसको। इसको पानी की पट्टियां लगाओ, तबीयत थोड़ी बेहतर होगी। इसकी बहुत तबीयत खराब है, इसे डॉक्टर की जरूरत है। कुछ नहीं तो इसे गोली ला दो। ओ
गोली। अच्छा, इसके लिए सिर्फ यही एक गोली है। क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसी बातें करने की? गुस्सा दिलाने वाली बातें मत करो, उनके सर पे खून सवार है। सर, हमें स्कूल की मैनेजमेंट ने बताया कि उस वैन में कुछ बच्चे थे, एक टीचर थी और एक ड्राइवर था। ड्राइवर को अगवा करने के घंटे के बाद शूट कर दिया गया। जिस वैन में बच्चों को अगवा किया गया था वो मिली या अभी तक लापता है? नहीं सर, अभी तक वो वैन नहीं मिल सकी। हमने शहर के अतराफ में भी देखा लेकिन उस वैन का कोई नामो निशान नहीं है। अजीमुल्ला की रिहाई के मुतालबे से उस ग्रुप का अंदाजा हो गया है, मगर हुकूमत किसी कीमत पर भी उसे रिहा करने के लिए तैयार नहीं है। वो नहायत ही खतरनाक दहशतगर्द है और मुल्क भर में दहशतगर्दी के संगीन वाकयात इसी की एग्जीक्यूशन और इसी की निगरानी में हुए। सर, हम भी उसे रिहा नहीं करना चाहते, लेकिन सर आप समझ सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों और एक टीचर की जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है सर। जिस तरह आपके लिए कीमती है उसी तरह हमारे लिए भी कीमती है, मगर सिक्योरिटी इदारों का काम दहशतगर्दों को पकड़ना है, उनको तहफ्फुज़ देना हरगिज नहीं है। जी सर। 48 घंटे हो चुके हैं और हम लोग अब तक सिर्फ टामक टोया ही कर रहे हैं। दहशतगर्दों तक पहुंचने में या उनको गिरफ्तार करने में अब तक हमने क्या किया है? सर, उस वैन के रूट पे जितने सीसीटीवी कैमरास थे उनकी सारी फुटेज हमने चेक की है, लेकिन उस वैन का कोई नामो निशान नहीं है वहां। अलबत्ता दो ऐसे कैमरे थे उस रूट पर जो काम नहीं कर रहे थे, और ऐसा लगता है जैसे ये सारी वारदात उन दोनों मकामात में से किसी एक मकाम पे हुई है। इसका मतलब है अगवाकारों को अच्छी तरह मालूम है कि किन पॉइंट्स पर कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। जी सर, अपेरेंटली ऐसा ही है। बात यह सर कि इन दहशतगर्दों के नेटवर्क बढ़ते चले जा रहे हैं और उनकी मदद के लिए कुछ मददगार भी होते हैं और उनके कुछ हमदर्द भी होते हैं। जिस नंबर से आप लोगों के पास टेलीफोन कॉल आई थी उस लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की? जी सर, वो कॉल एक पार्क से हुई थी जो साहिल के पास थी, लेकिन उस कॉल में पीछे एक ट्रेन की आवाज़ आ रही थी जो कि एक रिकॉर्डिंग चलाई गई थी, जिससे हम डॉज हो गए और फिर हमारी पूरी टीम रेलवे स्टेशन को छानती रही। बहुत मायूसकुन रिपोर्ट है। ऐसा लगता है कि हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और दहशतगर्दों के मुतालबात मानने के लिए तैयार हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमारी टीमें इस वक्त हर तरफ फैली हुई हैं, मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रही हैं। 16 से ज़्यादा मुश्तबा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे पूछताछ हो रही है सर। इससे क्या फ़र्क पड़ता है एएसपी साहब? टेररिस्ट को पकड़ने में, उन तक पहुंचने में अब तक हमने क्या किया है? और जहां तक मोबाइल फोन्स की बात है तो बच्चों के पास या टीचर के पास तो मोबाइल फोन होना चाहिए था। सर, बच्चों में से तो किसी के पास भी मोबाइल नहीं था, लेकिन उस ड्राइवर के पास था और वो मोबाइल उसकी लाश के पास मिला है। हाँ, अलबत्ता उस टीचर के पास एक मोबाइल है, लेकिन जब तक वो ऑन नहीं होगा हमें लोकेशन का नहीं पता चलेगा। ना हम फोन ऑन होने के इंतजार में रहेंगे और ना वो, और शाम तक उनकी डेडलाइन खत्म हो जाएगी। जी सर, 2 घंटे रह गए। आप एक काम करें, अगर उनकी कॉल आए तो आप उनसे ज्यादा से ज्यादा टाइम देने की कोशिश करें। जी सर, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन जब तक अजीमुल्ला की रिहाई की यकीन दहानी नहीं करवाई जाती वो लोग मसीह टाइम नहीं देंगे। उन्हें बताएं कि हुकूमत अजीमुल्ला को रिहा करने के बारे में सोच रही है, मगर अमल दरामद के लिए हमें टाइम तो चाहिए। राइट सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू सर, यू मे गो नाउ। Thank you.
एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हमारे मुताबिक उसे अगवा किया गया है। बस दुआ करो कि हुकूमत हमारा मुतालबा मान ले, वरना ये तो मासूम बच्चे हैं, इसमें इनका क्या कसूर? सबसे पहला कसूर कि ये पैदा हुए, दूसरा कसूर ये कि इस मुल्क में पैदा हुए। कि डिमांड क्या है? दहशतगर्दों का एक खतरनाक मास्टरमाइंड है अजीम, वो उसे रिहा करवाना चाहते हैं। हमें दहशतगर्दों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। मलिक एएसपी हुमायूं मलिक, ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो, बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से? जाना तो कहीं और था, कहां पहुंच गए? अजीब हो, बस तुम्हारी तरह। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूंगा। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं। एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हमारे मुताबिक उसे अगवा किया गया है। बस दुआ करो कि हुकूमत हमारा मुतालबा मान ले, वरना ये तो मासूम बच्चे हैं, इसमें इनका क्या कसूर? सबसे पहला कसूर कि ये पैदा हुए, दूसरा कसूर ये कि इस मुल्क में पैदा हुए। कि डिमांड क्या है? दहशतगर्दों का एक खतरनाक मास्टरमाइंड है अजीम, वो उसे रिहा करवाना चाहते हैं। हमें दहशतगर्दों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए।